हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आइडिया ही ऑनलाइन में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आइडिया से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों इस चैनल पर मैंने आइडिया के फिटर ट्रेड की प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें मैंने फिटर के लगभग 2 चैप्टरों को कवर किया, जिसमें सेफ्टी और मेजरमेंट जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके वीडियोज मैंने बना दिए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसमें टोटल जो इसरो, डीआरडीओ, दिल्ली मेट्रो, यूपीएमआरसी जितने भी एग्जाम होते हैं आईटीआई फिटर ट्रेड के, तो उसमें से उस टॉपिक से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको मैंने चुन चुन के एक एक क्वेश्चंस को पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। तो जाके आप वीडियो, अगर आपने नहीं देखा जाके आप चेक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप सब लोग जानते हैं डीआरडीओ एग्जाम, आपका एग्जाम डेट जैसे कि बहुत ही जल्दी 1 से 1.5 महीने में आपके एग्जाम हो जाएंगे, क्योंकि नॉन टेक का जो जो एग्जाम था प्री एग्जाम उनका हो चुका है। तो उस हिसाब से आपका जो सेकंड एग्जाम उनके जब होंगे तो उसके जस्ट बाद आपका ही टेक्नीशियन फिटर ट्रेड आईटीआई के ट्रेड के क्वेश्चन वहां पे आपका पेपर शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों हैंड टूल्स, हैमर, वाइस और स्पैनर। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है डीआरडीओ के लिए, क्योंकि डीआरडीओ में काफी क्वेश्चन इधर से पूछे जाते हैं। बाकी इसरो के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो अगर आप इसरो की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप डीआरडीओ में अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है या फिर आप इस ओवर एज हो गए हैं, तो आपके लिए इसरो में मौका रहता है, जिसमें 35 साल जनरल के लिए एज और बाकी रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट के लिए 38 और 40 साल तक छूट रहती है। तो जिन्होंने भी डीआरडीओ का पेपर को डीआरडीओ में आप एलिजिबल नहीं है, तो आप इसरो के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफी अहम टॉपिक होने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहले नंबर का क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, इंजीनियर वाइज का साइज निम्न में आधारित होता है, क्या मूवेबल जॉ की लंबाई पे, जॉ की चौड़ाई पे, वाइज की ऊंचाई पे या जॉ के अधिकतम खुलने पे। तो इंजीनियर वाइज का जो साइज लिया जाता है वो लिया जाता है आपके मूवेबल जॉ की लंबाई से। किससे दोस्तों? मूवेबल जॉ की, जितना लंबा होगा इसका जबड़ा, जितनी लंबाई आएगी वही इसका साइज होगा, और इसी से इंजीनियर वाइज के साइज का निर्धारण होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहु उत्पादन करते समय जिस साधन के द्वारा टूल को गाइड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फिक्सचर, गेज, जिग या फिर गाइड बार। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जिग और फिक्सचर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, और ये डीआरडीओ में भी इसमें से एक क्वेश्चन आपका आने वाला है। यहाँ इन्होंने पूछा है जो बहु उत्पादन होता है जिस साधन के द्वारा टूल को गाइड किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों क्या उसे फिक्सचर कहेंगे या जिग कहेंगे, गाइड बार कहेंगे या फिर उसे गेज कहेंगे? दोस्तों तो इसे हम कहते हैं जिग। जिग जो होता है वो टूल को गाइड करता है और सहारा देता है, लेकिन जो फिक्सचर होता है दोस्तों वो खाली टूल को सहारा देता है, ना कि गाइड करता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे जिग हो जाएगा। और अगर आपसे वो पूछता है कि खाली सहारा देने की बात आती है तो वहां पे आप फिक्सचर को ऑप्शन में रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, जिस हैमर का भार 2 kg ज्यादा होता है उसे क्या कहते हैं? सॉफ्ट हैमर, बॉल पिन हैमर, स्लेज हैमर या मैलेट। जिस हैमर का वजन दोस्तों 2 kg ज्यादा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? घन, स्लेज हैमर। क्या कहेंगे दोस्तों? इसको हिंदी में बोलते हैं घन, तो इसको बोलते हैं स्लेज हैमर। यहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि 10 kg तक आपके होते हैं, 2 से ज्यादा जो भी होते हैं वो आपके घन घन हिंदी में बोलते हैं, और इसको स्लेज हैमर बोला जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का, जिस हैमर के पेन हैमर के हैंडल के सीध में होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेट पिन हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर या स्लेज। तो दोस्तों जिस हैमर का पेन यानी कि हैमर का जो पेन पूछ रहा है वो अगर सीध में होगा तो उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रेट पिन हैमर। जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या है? सीधा। स्ट्रेट माने होता है सीधा, और हैमर के जो बिल्कुल सीध में होगा उसे बोलेंगे स्ट्रेट। तो स्ट्रेट पिन हैमर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर वो पूछ लेता कि वो क्रॉस में होता है तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? क्रॉस पेन हैमर। जैसे कि नाम से ही ये पता चल जा रहा है क्रॉस में है तो क्रॉस पेन हैमर। दोस्तों मैं ऐसे ही आपके 2 से 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में ही आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करिए, कि मैं एक क्वेश्चन बताने के साथ साथ आपको 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बताता हूँ।
और जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इस कंटेंट को लाने के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस व्यास का गाइड नट आधा होता है उसे क्या कहते हैं, क्विक रिलीज बेंच वाइज, यूनिवर्सल मशीन वाइज, पाइप वाइज या लेग वाइज? तो जिस वाइज का गाइड नट आधा होता है उसे क्विक रिलीज बेंच वाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक रिलीज बेंच वाइज। तो गाइड नट जो आधा होता है उससे क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि बहुत ही जब आप जॉब करते हैं तो आपको आपके समय में बचत होती है, जॉब को जब आप निकालते हैं तो बहुत तेजी से घूमता है, उसकी वजह से आपको इजीली आप जॉब को निकाल लोगे और आपकी टाइम की बचत होती है, इसीलिए उसको क्विक रिलीज बेंच वाइज बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ इन्होंने पूछा है फिटिंग शॉप में प्रयोग होने वाले लकड़ी के बने हैमर को क्या कहते हैं, मैलेट, स्लेज हैमर, बॉल पिन हैमर या क्रॉस पिन हैमर? तो दोस्तों जो फिटिंग शॉप में लकड़ी के हैमर बने होते हैं उसको हम मैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैलेट बोला जाता है। और बॉल पिन हैमर जैसे कि आप जानते हैं ड्रॉप फोर्ज स्टील से बना होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर का हैमर का वर्गीकरण यहाँ इन्होंने पूछा है किसके अनुसार होता है, पेन के अनुसार, भार के अनुसार, शकल के अनुसार या भार व पेन के अनुसार? तो हैमर का वर्गीकरण हम करते हैं भार व पेन के अनुसार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपने लेट के बने हथौड़े बने होते हैं, लेट के बने हथौड़े कैसे होते हैं दोस्तों? नर्म हथौड़े होते हैं, मार्किंग हथौड़े होते हैं, सख्त हथौड़े होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो लेट से बने हथौड़े होते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों? नर्म होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर के क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। यहाँ इन्होंने पूछा है वाइस के स्पेंडल में कैसी थ्रेड कटी होती है, वी थ्रेड, मैट्रिक थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड या बट्रेस थ्रेड? तो दोस्तों वाइस का जो स्पेंडल होता है उसमें जो थ्रेड कटी होती है वो स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। कौन सी? स्क्वायर थ्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है ये, इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। द बॉल पेन हैमर के आकार की होती है, जो बॉल पेन हैमर होती है वो किस, उसका जो पेन होता है वो किस आकार का होता है, क्या गोलाकार होता है, स्ट्रेट होता है, स्क्वायर होता है या क्रॉस होता है? दोस्तों बॉल पेन हैमर, यहाँ से ही आपको पता चल रहा है बॉल यानी कि बॉल शेप में। तो बॉल कैसी होती है दोस्तों? गोलाकार, यानी कि कैसा शेप होता है इसका? गोलाकार शेप होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन, बेंच वाइज की ऊंचाई कारीगर के डेस्क की ऊंचाई के बराबर रखी जाती है। तो जो बेंच वाइज की ऊंचाई होती है वो कारीगर पे कहाँ तक रखी जाती है, क्या कंधे तक रखेंगे या मनुष्य की पूरी ऊंचाई तक रखते हैं, या कंधे की ऊंचाई को आप लेंगे, या कोहनी की ऊंचाई तक, या फिर घुटने? तो बेंच वाइज की ऊंचाई कारीगर की कोहनी के ऊंचाई के बराबर रखी जाती है दोस्तों। कैसे रखी जाती है? कोहनी की ऊंचाई के बराबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने इसमें पूछा जा रहा है जिस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है और सिरों पर चमड़ा लगा होता है उसे क्या कहते हैं, रॉहाइड हैमर, पेन हैमर, स्लेज हैमर या घन? दोस्तों जिस हैमर की बॉडी जो होती है वो स्टील की होती है और सिरों पर जो उनका फेस होता है उस पर चमड़ा लगा होता है तो उसे बोलते हैं दोस्तों रॉहाइड हैमर। क्या बोलते हैं? रॉहाइड हैमर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, लकड़ी से निकालने के लिए, लकड़ी से कील निकालने के लिए उपयुक्त हैमर कौन सा होगा दोस्तों, क्ला हैमर, घन, स्लेज हैमर या मैलेट? तो लकड़ी से जो हम कील निकालेंगे तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्ला हैमर का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर का यहाँ इन्होंने पूछा है जो ये मैं क्लॉ हैमर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये क्लॉ हैमर जो होता है वो एक इस शेप में कुछ होता है, कुछ इस समय बता होता है और यहाँ पे कील आपकी फंस जाती है, यहाँ पे सॉरी दोस्तों यहाँ पे जब कील फंस जाती है तो यहाँ से हैमर को ये इसको बाहर निकाल लेता है तो इसको बोलते हैं क्ला हैमर। चलिए दोस्तों 14 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिनिश पार्ट पर चोट लगने के लिए प्रयुक्त होता है, जो फिनिश पार्ट होता है वहां चोट लगाने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं, लेड हैमर, स्लेज हैमर, सॉफ्ट हैमर या पेन हैमर? जो फिनिश पार्ट होता है तो जाहिर सी बात है वो एक नरम पार्ट है तो उसके लिए हम यूज करेंगे सॉफ्ट हैमर। कैसे? सॉफ्ट हैमर को नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये सॉफ्ट है, जैसे कि जो फिनिश कंपोनेंट होता है वहां पे सॉफ्ट हैमर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि उसकी सतह पे कोई भी स्क्रैच और कोई भी कट ना बने। चलिए दोस्तों 15th और लास्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। पिन वाइज का प्रयोग कहाँ करते हैं, वर्कशॉप में, मार्किंग में, घड़ी ताज शॉप में या टूल गाइड में? तो पिन वाइज होती है, बहुत छोटी सी होती है, छोटी छोटी पिनों को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है और ये इनका यूज करते हैं घड़ी ताज शॉप में। कहाँ पे?
घड़ी साज जो होते हैं वो इसको यूज कर सकते यूज करते हैं। दोस्तों ये टोटल 15 क्वेश्चन से, ये टोटल आज मैंने 15 क्वेश्चन को कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो वीडियो को अगर आपने देखा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहें। ओके गुड, हैव अ नाइस डे।